अरे भाई दनाद भूमौ पशुश्च गोष्ठे नारी गृह द्वारे सखा शमशाने देहस्थितायाम परलोक मार्गे धर्मान गच्छत गोजीवेक। हम जिस जीवन में सुनने के लिए आए हैं उसे सुन करके धारण करें, श्रवण के करने के बाद में मनन करें और मनन के बाद निदिध्यासन करें। निदिध्यासन का अर्थ समझते हैं ना, नी निरंतर दी दीर्घ काल दी बुद्धि के द्वारा आसन माने परम ब्रह्म परमात्मा में स्थिति हो जाना। अब बोलने का विषय तो अच्छा कर लिया है लेकिन मनन का विषय नहीं है। यानी जाकर के रात भर सोते दूसरे दिन आको सत्संग का होगो माँ कहा कहनो है, जैसे तोता रटन, इससे इससे फायदा नहीं होगा। मैं निंदा नहीं कर रहा, सत्संग सबसे तूलन ताय सकल मिल जो सुख लब सत्संग। एक निमेश मात्र के सत्संग को तुला के एक पलड़े में रखा जाए और संसार के सबसे महत्वपूर्ण बातों को एक पलड़े में रखा जाए फिर भी एक क्षण का सत्संग का पलड़ा भारी रहेगा। तूलन ताय सकल मिल जो सुख लब सत्संग। बोले सत्संग है क्या? बोले जैसे ये गोष्ठी है श्रीमद् भागवत का, इसमें यहाँ पर कथा हो रही है, आप लोग आए हैं, उसमें जो सत्यता प्रीत पूर्वक सत्य पूर्वक जो बात कही जा रही है और आप बैठे सताम सज्जनानाम संग ही सत्संग। सज्जन पुरुषों का के द्वारा सत्य वस्तु का और सत्य परमात्मा का गुणगान करना ही सत्संग है। सत्पुरुषों के द्वारा, अच्छे तुम जैसे पुरुषों के द्वारा भगवान के गुणानुवादों का कथन करना ही सत्संग है। सताम सज्जनानाम संग ही सत्संग। तो उसके गुणानुवादों का कथन करके फिर मनन करें। मनन जेब में दाम धरे हो कैपू तो नहीं जानते हैं क्यों कमी तो ना है गई और बात सुनी सुनाई को दोबारा भी नहीं फेरा जाए तो कैसे डटेगी हृदय में। इसलिए मनन करे, मनन के बाद नी निरंतर दी दीर्घ काल दी बुद्धि के द्वारा आसन में स्थित रहना। आशा ही परम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। आशा रूपी पिशाचिनी से नाता जिसने तोड़ दिया है भाई ज्यादा कछु करवे की जरूरत ना है, क्योंकि ये आशा और मोह ही तो डुबाने वाला है ना। मोह सक